मोदी सरकार ने बनाई बड़ी योजना, देश के 50 शहरों में चलेगी मेट्रो लाइट ट्रेन, जानिए इनकी खासियत। नमस्कार। छोटे शहरों के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार ने मेट्रो लाइट ट्रेन चलाने की योजना बना ली है। ये ट्रेन उन स्थानों पर चलाई जाएगी जहां यात्रियों की संख्या अधिक नहीं है। इन ट्रेनों में 3 कोच होंगे और उसकी गति 25 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। ये ट्रेन जमीन के साथ ही खम्भों के ऊपर भी चलेगी। मेट्रो की तुलना में इसकी लागत कम आएगी। केंद्रीय शहरी एप आवास मंत्रालय ने मेट्रो लाइट ट्रेन प्रणाली के संबंध में मानक जारी कर दिए हैं। हम आपको ये बता दें कि भाजपा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में मेट्रो का विस्तार 50 शहरों में करने का वादा किया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मेट्रो लाइट ट्रेन का अपना अलग एक रास्ता होगा। सड़क पर चल रहे यातायात से इसकी गति प्रभावित नहीं होगी। इसके लिए जहां जरूरत होगी वहां पर दोनों तरफ बाड़ भी लगाई जाएगी। इस ट्रेन के 3 कोचों में 300 यात्री तक सफर कर सकेंगे। वो स्टेनलेस स्टील या फिर एल्युमिनियम के बने होंगे। मेट्रो लाइट प्रणाली के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे उनके ऊपर शेड होगा। टिकट आपको ट्रेन के अंदर ही मिलेगी। मेट्रो लाइट ट्रेन के जारी किए गए मानकों में कहा गया है कि अगर जांच के दौरान किसी यात्री को बिना टिकट पकड़ा जाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये ट्रेन किस शहर में सबसे पहले चलनी चाहिए? दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।